क्या फलाने की बेटी फिल्म लाइन में गई है? मुझे तो पहले ये लड़की ठीक नहीं लगती थी। अरे मैंने कहा था उसकी माँ से कि थोड़ी बेटी पे लगाम लगा कर रखो। लो अब निकल गई ना बेटी हाथ से। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा नहीं मतलब दुनिया में इतना काम है करने के लिए, लेकिन तुझे तो एक्टिंग ही करना है। हा? ये जो तेरे दिमाग का कचरा तो खुद ही साफ करेगी या मैं दूं? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे फिल्म लाइन बहुत ही गंदा है, अच्छी घर की लड़कियां नहीं जाती इस लाइन में। अरे मैडम को एक्टिंग करनी है ना, शक्ल ना सूरत। सॉरी मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ, तुम लोग सोच कैसे लेते हो? यही नहीं अभी और सुनिए। अरे ये तो अभी अभी आई थी फिल्म लाइन में, इससे इतने अच्छे सीरियल में इतना अच्छा कैरेक्टर इतना जल्दी कैसे मिल गया? जरूर कुछ गलत करके गई होगी। छी रुको जरा, सबर करो। गाइज जब भी हम एक्टिंग के लिए सोचते हैं तो हमें ये सब बातें सुनने को मिलता है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये सब बातें मुझे भी सुनने के लिए मिला था, और कुछ बाहर के लोग होते हैं, ज़्यादातर तो अपने ही होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक्टिंग लाइन में अगर हमें आना है तो क्या करना चाहिए, क्या ये लाइन सही है या नहीं, और अगर आप सोच रहे हो कि एक्टर बनना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करें, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, और जो मेरे फैंस इतने दिनों से मुझे इंस्टा पे मैसेजेस कर रहे थे कि मैम इस बारे में इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आई थिंक आप लोगों को ये जानकारी पा करके बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये आते हैं कि क्या ये लाइन अच्छा है। तो पहले तो मैं एक बात बोलूँगी कि अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। जिसको गलत करना होता है वो घर बैठे भी गलत कर लेता है। ये हमारी एक सोच है कि फिल्म लाइन नहीं अच्छी है। देखा जाए तो कोई भी लाइन नहीं अच्छी है, और हर लाइन अच्छी है कि नहीं? मतलब एक मुझे एक बात बताइए कि अगर आप नहीं चाहोगे तो आपके साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? अगर आप ये सोचोगे कि मैं फिल्म लाइन में आ गई, मैं रातों रात स्टार बन जाऊँ, ऐसा नहीं, आप बन सकते हो, काफ़ी लोग बने भी हैं, लेकिन वो उनका किस्मत है। अगर आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है, अगर आपको कुछ गलत नहीं करना है, तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। जिनके साथ गलत हुआ है, अगर वो कहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, तो वो हादसा है। तो भगवान ने दो हाथ दिए हैं, चाटा मारो निकल जाओ। मैं जब शुरुआत में मुंबई में आई थी, मुझे बहुत सारे साउथ की मूवीज़ ऑफर हुए थे, और उस समय साउथ में जो हीरोइंस थी, ऐसा नहीं कि एकदम से जीरो फिगर ही चाहिए था, क्योंकि मैं जब मुंबई आई थी मैं बिल्कुल भी जीरो फिगर नहीं थी। पापा जी के जाने के बाद आई थी, और वो टेंशन, वो सारे सिचुएशंस की वजह से मैं बिल्कुल भी अपने पे ध्यान नहीं दे पाती थी, तो बहुत ज़्यादा ही मैंने खुद के प्रति लापरवाही कर दी थी, और एक्चुअली वो सिचुएशन ही नहीं था कि मैं खुद पे अच्छे से फोकस कर पाऊँ। तो मुझे बहुत आसानी से वहाँ पे काम मिल जाता, क्योंकि मेरा डांस अच्छा था और मेकअप के बाद ठीक ठाक लगी जाती थी मैं। आपको पता है, मुझे तो कई बार कुछ लोग मना करने पे ये भी बोलते थे कि आप क्या खुद को, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी हीरोइन सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो खुद को, वो सोच रहे हो। मैं बोलती हूँ कि मैं तो खुद को कुछ सोच ही नहीं रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर अपना पहचान बनाना है। मैं मतलब ये चाहती हूँ कि आगे जाके लोग ये बोले कि मुझे मधुश्री जैसा बनना है। मैं कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको पसंद करती हूँ, कि अच्छी क्वालिटी अपने में अपनाने की कोशिश करती हूँ, पर मैं सेम टू सेम कॉपी नहीं बनना चाहती किसी का। आप लोग भी जो बोलते हो ना, मैम आप ऐसे कैसे हो, मैं ये बोलूँगी कि मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करो, मुझसे बेहतर बनो। हाँ, अगर मेरी कुछ अच्छी क्वालिटी है वो आप लोग अपने में ले लो, वो बहुत अच्छी। और मुझे पर्सनली साउथ की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो उनके एक्शन होते हैं, सबसे स्पेशली जो डांस होता है। मेरा बहुत मन है कि मैं कभी साउथ के मूवी में एक डांस परफॉर्म मुझे करने के लिए मौका मिले, भले पूरी मूवी मुझे मिले या ना मिले, लेकिन हमेशा उसमें एक ऑप्शन होता था कॉम्प्रोमाइज़ का। इसके लिए मेरा कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उनको रिप्लाई दूं या उनसे कभी जाके मीटिंग करूं। तो मुझे भले वो काम नहीं मिला, लेकिन मेरे साथ गलत भी तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाही करना। तो इसीलिए अगर आप सही हो तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। बाकी देखो, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि बोलने के लिए पैसा लगता नहीं है, ज़्यादा दूर क्यों जाना। हमारे पड़ोस की चाची को पता होता है कि हमारे घर में क्या बन रहा है, जबकि हमें जब लंच में खाने बैठते हैं तब पता होता है। तो
मतलब बोलने में पैसा नहीं लगता, दुनिया कुछ भी बोल लेती है। और एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि फिल्म लाइन में आने के लिए पैसा देना नहीं पड़ता है। गाइस बहुत सारे जब नए नए लोग आते हैं ये ऑप्शन आपके सामने आएगा कि अच्छा हम आपको ये सीरियल में काम दिला देंगे, हम आपको ये मूवी में काम दिला देंगे और आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। प्लीज़ ये गलती मत करना, क्योंकि आपको एक्टिंग के लिए पैसा मिलता है, ना कि आप पैसे इन्वेस्ट करके आप इस लाइन में आओ। वो बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं, तो आपको ऐसी बातों में फंसाएंगे और कभी